वेलकम गाइस, वेलकम टू मैथ्स पेरेटस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड अगर आपको किसी भी सवाल में लगता है कि हमारा सवाल गलत है या कोई दूसरे तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए उसको, तो यू आर वेलकम। आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, और अगर कुछ करेक्शन होगी तो हम उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपने करेक्शन लिखते रहेंगे, सो फील फ्री। लेकिन अगर कुछ भी आपका रीजन है कि मेरा ए क्यों नहीं है, बी क्यों है, या जो भी लिख रहे हो, प्लीज अपना रीजन जरूर लिखना। सिर्फ ऐसे मत लिख देना कि ए नहीं सी होगा, ताकि देयर हैज टू बी सम लॉजिक कि आप ऐसा कोई भी आंसर क्यों बोल रहे हो। सो विद दैट थॉट शुरू करते हैं। अनदर थिंग गाइस कि पूरे पेपर का हमारा एनालिसिस ऑफ कोर्स ये है कि द पेपर इज गेटिंग ऑफ कोर्स टफर कॉन्सेप्चुअल, और काफी लोग डेफिनेटली होंगे कि जिसको जिनको 33% मार्क्स लेने में आसान होगी। इनफैक्ट जो बिल्कुल आसान सवाल है डायरेक्ट, वो पूरे पेपर में 10 भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम आसान वाला एप्टीट्यूड होता है। सो हमें इसको सीरियसली लेना होगा, और सिर्फ सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें स्मार्टनेस शुरू कर दो कि मैं फास्टर मेथड कैलकुलेशन, कुछ भी काम नहीं आएगा। तुम पूरे पेपर में देख लो, कहीं कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। सिर्फ काम क्या आएगा कि हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हैं या नहीं समझते हैं। सो विद दैट नोट हम लोग शुरू करते हैं पार्ट फोर। ओके, सो गाइस थोड़ा मुश्किल सवाल है, अगर कुछ लोगों से नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। सो द क्वेश्चन इज कि 24 मेन और 12 वुमेन एक काम को करते हैं 30 दिन में। सो 24 मेन और 12 वुमेन उस काम को करते हैं 30 दिन में। हमें बताना है कि अगर हमारे मेन 24 से घटके हो जाए 12, लेकिन हमारे वुमेन हमारे बढ़ जाए 12 से 24, तो ये कितने दिन में होगा। ऑफ कोर्स गाइस इट इज डिफिकल्ट, अगर दोनों ही कम होते फिर तो हम बता पाते कि ज्यादा दिन लगेंगे, अगर दोनों बढ़ जाते तो कम दिन लगेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक कम हो गया दूसरा ज्यादा हो गया, तो इसमें अब इम्पैक्ट क्या होगा। सो गाइस इसका जो इम्पैक्ट है वो अब डिपेंड करेगा कि इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है। सो करेक्ट आंसर है कि करेक्ट आंसर इज डी। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो तुम लोग एक चीज ट्राई कर सकते हो कि तुम ना तीन केस बना लो। तीन केस क्या तुम लोग बना सकते हो, पहले केस में तुम लोग क्या बना लो कि मैन एक दिन में काम करता है एक्स, और एक वुमेन एक दिन में काम करती है एक्स। दूसरा बना लो मैन एक दिन में करता है एक्स और वुमेन एक दिन में करती है 2x, और तीसरे में उसको ज्यादा एफिशिएंट कर दो, मैन एक दिन में करता है 2x, वुमेन एक दिन में करती है एक्स। और अब तुम अगर निकालने की कोशिश करोगे, अगर मैं पहले वाला केस करता हूँ, पहले केस में क्या होगा, अगर मैन एक दिन में एक्स करता है वुमेन एक दिन में एक्स करती है, तो टोटल काम कितना हो गया, 24x प्लस 12x 36x, और 30 दिन में मतलब 36x इंटू 30 हमारा टोटल काम हो गया, ठीक है। और अब निकालना कितने हैं, 12 मैन और 24 वुमेन दोनों एक एक है, तो इंटू 36 करोगे 36x, तो ये काम हमारा होगा 30 दिन में। अब दूसरा केस ले लेते हैं, मैन एक दिन में 12 करता है, वुमेन 2x कर रही है, तो सॉरी मैन का x है वुमेन का 2x एफिशिएंसी, सो 24 मैन मतलब 24x, 12 वुमेन मतलब 12 इंटू 2 24x, तो टोटल कितना हो गया 48x, टोटल काम कितना हो गया 48x इंटू 30। थोड़ा तेज तेज कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे सवाल करने हैं। और पूछा क्या है 12 वुमेन और 24 वुमेन, 12 वुमेन मतलब 12x, 24 वुमेन मतलब 2x, तो 24 दूना 2 48, 48 और 12 60x। सो अगर तुम इस चीज को देखोगे तो ये आएगा तुम्हारा लेस देन 30 डेज आ गई है। ऑन द अदर एंड अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि मैन की 2x है, तो 24 दूना 48x, 12 एकम 12, 48 और 12 60x टोटल काम हो गया इंटू 30। और 12 मैन का मतलब है 12 गुना 2 24, और 24 वुमेन है 24 और 12 कितना हो गया 36, तो ये हो गया 36x। और अब इसको तुम अगर कैलकुलेट करोगे ये आएगा ग्रेटर देन 30 डेज। मैंने तुम्हें तीनों केस बना के दिखा दिया है, सो 30 भी हो सकता है, लेस देन 30 भी, मोर देन 30 भी, तीनों केस हो सकता है। देयरफॉर डेटा इज इनएडिक्वेट एंड करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1 to 6 7। ऑफ कोर्स फैक्टर करके देखना होगा, फैक्टर करके देखोगे तो 1 to 6 7 इज 97 इंटू 13, और जो 97 है यहाँ ये से डिवाइड हो जाएगा, जो 13 है 91 से हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट, सो गाइस देयर इज अ रेक्टेंगुलर सीट है जिसकी लेंथ है 20, जिसकी लेंथ है हमारी 20 और जिसकी ब्रेड्थ है 8। सो मेरी ये लेंथ है, इसको मैं ले लेता हूँ 20 और ये ले लेता हूँ मैं 8, ठीक है। सो पहला बात क्या है कि क्या हम चार स्क्वायर सीट बना सकते हैं, पहले वाला ऑप्शन हम बिल्कुल बना सकते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, ये 8 है तो मैं ये 8x8 की एक शीट निकाल लेता हूँ, 8x8 की 8, सो 8x8 की एक स्क्वेयर होगी, 8x8 की एक स्क्वेयर होगी। सो टोटल कितना था, टोटल 20 था, 8 और 8 16, ये कितना बचा, 4 बचा। अभी 4 की बची और ये कितना बचा, 8 बचा। तो 4 और 8 है तो इसमें से 2 स्क्वेयर निकाल लूंगा। अब ये 2 स्क्वेयर बन गए 4 4 के 4 4 के, सो टोटल 4 स्क्वेयर बन गए, 1 इज राइट। दूसरा देख लेते हैं, क्या हम इसमें से 10 शीट बना सकते हैं, 10 ट्रायंगल ऑफ 10 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। सो गाइस 20 की है तो पहले मैं 5 में डिवाइड कर लेता हूं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 20 था तो मतलब ये मेरे बन गए 4 4 4 4 4 और ये मेरा बन गया 8। अब मुझे ट्रायंगल बनानी है इक्वल एरिया की, तो हर एक को दो दो में डिवाइड कर दो, लो जी। और मेरी कितनी बन गई, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब मैंने 10 ट्रायंगल बना दिए, सभी का इक्वल एरिया भी है, सब दो भी ठीक है, देयरफॉर बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सो 70% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू अनदर नंबर y, सम बिकम 165% ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.7x प्लस y अगर जोड़ दिया तो 1.65 टाइम्स ऑफ y बन गया। तो इससे क्या पता चला कि 0.7x इज नथिंग बट 0.65y, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो x by y इज इक्वल टू 65/70। इससे मुझे क्या पता चला कि मेरा y है जो वो x से बड़ा है। दूसरी चीज देख लेते हैं, दूसरा क्या है, 60% ऑफ x, सो 0.6 ऑफ x मैंने जोड़ दिया किसमें, z में, एंड आई गेट 1.65 टाइम्स ऑफ z, सो अगेन इज इक्वल टू 0.65 z, या फिर x बाई जेड कितना हो गया 65/60। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरा x इज ग्रेटर देन z। सो दोनों को अगर मिलाए तो हमें क्या पता चलता है, दोनों को अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ देखें तो कि y x से बड़ा है और z x से छोटा है। सो y x से बड़ा है और z x से छोटा है, करेक्ट आंसर इज माई ए। नेक्स्ट वन, फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस के, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है और सोल्व करना ये सब लोगों से हो जाना चाहिए था, इसमें दिक्कत नहीं है। सो इसका मतलब है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, इसका मतलब है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 21, इसका मतलब है क्यू इज इक्वल टू पी माइनस 5, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28, और इसका मतलब है पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो गाइस सोल्व करने के लिए जो हमें दिखता है कि सेम उसको हम ले लेते हैं, तो वो क्या ले लेंगे, पी प्लस क्यू दिया है और ये भी पी और क्यू की इक्वेशन है, तो इससे अगर निकालोगे तो पी आ जाएगा 13, क्यू आ जाएगा 8, इस तरह बाकी भी निकाल लेना, एक्स आ जाएगा 8, जेड आ जाएगा 16 और वाई आ जाएगा 20। इन सब को जोड़ लोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 65, और एक का प्राइस है 40, सो इंटू 40 2600, करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है, और ये दिखाता भी कि कैसे चीजों को समझने का जरूरत है। सो एक आदमी अपने घर से चला, कितने बजे घर में उसने टाइम देखा, घर में जो उसके पास घड़ी थी 14:30, ठीक है, फिर वो गया, ठीक है, और वहां जाके उसने टाइम देखा 15:15, लेकिन ये दूसरी घड़ी थी जो उसने बाहर जाके देखा, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने वहां आराम किया, कितनी देर, उसने 25 मिनट उसने वहां आराम किया, और फिर वो वापिस आ गया, और वापिस आते कुछ खास बात हुई, अगर पहले वो x से गया तो वापिस आते हुए गया 1.25x, लंबा रास्ता लिया, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पहले वो स्पीड से गया v से तो वापिस आते उसने स्पीड कर दी डबल 2v, और जो वापिस आके उसने अपना टाइम देखा तो उसे टाइम दिखाई दिया 1600, उसी घड़ी में जो घर पे है, ठीक है, इसका मतलब जो घर पे जो घड़ी थी वो तो एक ही है, तो 2:30 बजे चला, 4 बजे पहुंच गया, मतलब 90 मिनट में पहुंच गया। इस 90 मिनट में 25 मिनट उसने आराम करने में लगा दिए, तो बाकी उसने ट्रैवल कितनी देर किया, 90 माइनस 25, 65 मिनट्स, तो उसने 65 मिनट्स ट्रैवल किया, ठीक है जी, 60 मिनट्स उसने ट्रैवल किया उसने, ओके। अब 65 मिनट्स कौन से हैं, जाने में भी समय लगा और जो वापस आने में भी जो उसको टाइम लगा। अब अगर जाने का टाइम मान लो टी है, जाने में उसको टाइम लगा टी, तो मैं टी लिख लेता हूं जाने का टाइम। अब वापिस आने में क्या होगा कि क्योंकि डिस्टेंस 1.25 टाइम्स बढ़ गया तो टाइम भी उतना ही बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1.25 टी टाइम हो जाना चाहिए, लेकिन
फिर उसने स्पीड दुगनी कर दी। अगर स्पीड दुगनी कर दी टाइम कितना लगेगा, आधा, सो बाई टू विच इज इक्वल टू 65। अगर इसको तुम लोग सोल्व करोगे 2t प्लस 1.25t इज इक्वल टू 130, 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3.25t इज इक्वल टू 130, और t कितना आ गया तुम्हारा, टी आ गया तुम्हारा 40 मिनट, राइट, यस टी आ गया तुम्हारा 40 मिनट। इसका मतलब जाने में उसका समय लगा, टी की वैल्यू आ गई 40। तो जब उसने 2:30 पे शुरू किया तो अगर 40 मिनट लगे तो जब पहुंचे तो टाइम कितना हो जाना चाहिए था, 2:30 बजे से 40 मिनट में 3:10 पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वहां जाकर उसने देखा जो वहां वाला घड़ा है उसमें 3:15 हो गए हैं। इसका मतलब वहां वाला घड़ा क्या है, 5 मिनट आगे है, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी, इट इज 5 मिनट फास्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट अमंग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई, ए को बी से 2 गुना मिला, सी से 3 गुना, एंड सो ऑन। सो गाइस क्योंकि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना मिला, तो अपने जिंदगी आसान बनाने के लिए हम 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आता है 60। सो अगर ए को मैं ले लेता हूँ कि 60x मिला, सो बी से वो दुगुना है तो बी को कितना मिलेगा, 3x, सी से 3 टाइम्स है तो 20x, डी से 4 टाइम है तो 15x, ई से 5 टाइम है तो 12x, और एफ से 6 टाइम है तो 10x। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो 147x हो गया टोटल। अब पूछा गया सवाल में कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स सो दैट ईच पर्सन गेट्स इवन नंबर। अगर मैं एक्स को 1 ले लेता हूं तो क्या होगा, ए को मिल गया 60, बी को 30, सी को 20, डी को 15, ई को 12 और एफ को 10। लेकिन उसने क्या बोला कि सारे इवन होना चाहिए, लेकिन डी तो ओड हो गया, तो मैं काम करता हूं एक्स को 1 की बजाय 2 ले लेता हूं और फिर कैलकुलेट करता हूं। अब की बार कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 20। लो जी, अब क्या मेरे सारे के सारे मेरे इवन हो गए, सो एक्स का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब 147 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 294, करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 6 पर्संस ए बी सी डी एफ, दे आर सिटिंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओना सर्कल, ठीक है, ये सब लोग सर्कल में बैठे हैं और सब इक्वी डिस्टेंस हैं, ठीक है, देखते हैं। सो अगर 6 लोग हैं इक्वी डिस्टेंस है तो बैठा ही देते हैं लोगों को, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ओके। अब दिया क्या है हमें, उसने पूछा क्या है, अगेन डेटा सफिशिएंसी का सवाल है कि ए की लेफ्ट में कौन, ए की लेफ्ट में कौन कौन बैठा है। तो पहले में क्या दिया है, बी सी के अपोजिट बैठा है, तो मैं अगर बी और सी को यहां बिठा दूं, डी ई के अपोजिट बैठा है, अब डी ई यहां भी हो सकता है, ई डी भी हो सकता है, तो ए का तो मुझे पता ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 से नहीं पता चलेगा, स्टेटमेंट 2 से एफ और बी का पता है, अगेन ए का मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो उसे पता नहीं चलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों को मिला के देख लेता हूं कि उससे कुछ बात बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहली बात क्या है, बी और सी के अपोजिट बैठा है, तो बी सी का अपोजिट बिठा दिया, स्टेटमेंट 2 पे आते हैं सीधा, कि जो एफ है, एफ एफ ई के लेफ्ट में बैठा है, तो एफ मेरा आ गया यहां, ठीक है, एफ मेरा ई के लेफ्ट में बैठा। अब मुझे क्या है और क्या प्लेस करना है, कि डी ई के अपोजिट बैठा है। अब डी ई कैसे हो सकता है भाई, डी ई ऐसे हो सकता है, और डी ई ऐसे भी हो सकता है कि एक साइड डी है और एक साइड डी है, दोनों ऑप्शन है, राइट, हमने ए पूछा है। सो डिपेंडिंग अपॉन की हमें क्या पूछा है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सो गाइज अगर मैं अब डी या ई बैठा, ई या ई डी बैठा, ए तो हमेशा इधर ही बैठेगा, ए तो हमेशा कहां बैठेगा, इधर ही बैठेगा। अब मुझे पूछना कि ए के लेफ्ट में कौन है, अब क्योंकि ई डी और डी दोनों ऑप्शन है, तो ए के लेफ्ट में ई भी हो सकता है, ए के लेफ्ट में डी भी हो सकता है, सो देयरफॉर अगर दोनों स्टेटमेंट लगाएंगे तब भी हमें आंसर नहीं आ रहा है, सो देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट, करेक्ट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ये हो जाना चाहिए था कि दोनों की एज बताना है, 1 और 2 से नहीं होगा, लेकिन दोनों को मिला के हो जा रहा है, दोनों को मिला के मदर की एज आ जाएगी 40, therefore correct answer is C, कि दोनों स्टेटमेंट से मिला के अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ए बी सी डी ई एफ, आई मीन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैथ या अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बाकी इंग्लिश के अभी बचे हैं, विच आर इन पार्ट 5। तो इसमें क्या है कि ए बी सी डी ई एफ एक एक घंटे के दौरान लेक्चर हैं 8 से 2 बजे तक। पूछा क्या है कि तीसरे नंबर पे कौन सा लेक्चर है, ठीक है, अब हमें दिया क्या है, स्टेटमेंट 1 में क्या बताया, एफ इज प्रिसीडेड बाय सी एंड फॉलोड बाय
एफ इज प्रीसीडेड बाई ए एंड फॉलोड बाई सी, इसका मतलब ए के बाद एफ है और एफ के बाद सी है, ये तो मुझे पता है, लेकिन तीसरा लेक्चर कौन है मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि तीनों एक साथ है, उसके बाद देर इज नो नो लेक्चर आफ्टर बी, इसे पता चलता है कि लास्ट में बी है, दोनों को मिला के देखते हैं बात बनेगी तो मुझे पता है ए एफ और सी इकट्ठे हैं और बी सबसे आखिर में है, तो कितने हो गए चार, अब दो लोगों को रिप्लेस करना है, अब ये दो लोग कहाँ हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ भी हो सकते हैं या फिर एक यहाँ और एक यहाँ हो सकता है या फिर दोनों लोग यहाँ भी हो सकते हैं, पहले हमें बताना है कि तीसरे नंबर पे कौन है, अगर दो लोग यहाँ होंगे तो तीसरे नंबर पे सी हो जाएगा, अगर एक लोग यहाँ होंगे फिर एफ हो जाएगा तीसरे नंबर पे, दो यहाँ होंगे तो ए हो जाएगा, इसका मतलब हम नहीं बता पाएंगे दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी कि तीसरे नंबर पे कौन है, देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी। थैंक यू।